हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन MATV स्काई 711। ये हमारा जो प्रोग्राम है, आप हर मंगल को यानी ट्यूसडे को और हर थर्सडे को यूके टाइम 6:30 बजे लाइव देखते हैं MATV पर। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम कश्मीर से मुतालिक आपको, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी उसमें शामिल है, उनसे मुतालिक आपको अपडेट्स दें, खबरें दें और अच्छी बातें भी बताएं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास POJK यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की कुछ अहम खबरें थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो आपके साथ आज जरूर शेयर की जाए, क्योंकि ये ऐसी खबरें हैं जो आपको MATV के अलावा और किसी भी चैनल से मिलेंगी नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे 3 रोज कबल हुसनैन रमल नामी एक कौम परस यानी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। हुसनैन रमल को पिछले 3 सालों में 4 दफा गिरफ्तार किया और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बातें की। कौन नहीं जानता कि हुसनैन रमल एक ऐसे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के समाजी मसाइल और सियासी मसाइल के हवाले से अपनी आवाज उठाई और अपने इलाके के लोगों की आवाज जो है वो उसको बुलंद किया, उसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। हुसनैन रमल का जो कसूर है वो ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की जो लूटमार हो रही है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी फौज की तरफ से, जो वहां की मादनियात जो है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्सप्लाइटेशन हो रही है सी पैक की वजह से, वहां पर जो गिलगित बल्तिस्तान की धरती का और वहां के इंसानी हकूक के साथ जो वहां बलात्कार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। ये गिरफ्तारी जो है खामोशी से ये नहीं हुई, इसके बाद हम देखते हैं कि कल गिलगित प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा हुआ जिसमें सब तकरीबन सारे ही नौजवान थे और उन्होंने हुसनैन रमल की अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज को दबाने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सवालों का जवाब दिया। हुसनैन रमल की गिरफ्तारी को उन्होंने इंसानी हकूक और इजहार राय की आजादी पर एक हमला भी करार दिया। इसके साथ ही एक और खबर ये है कि कल जो गुजर गया, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को 1 जून यानी 1 जून का अल्टीमेटम दे दिया है, डेडलाइन दे दिया है कि वो उनके जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनको वो पूरा करें। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स बड़ी सिंपल है। एक तो ये है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जाहिर है महंगाई जिस स्पीड से पाकिस्तान में हो रही है वो तो आप हर चैनल पे आपको उसके बारे में बताया जाता है। अब उस महंगाई के आलम में जो तनख्वाहें हैं उनमें गुजारा मुमकिन नहीं रहा, तो एक तो उनका ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इन ये अंडरस्टाफ हैं, इनमें डॉक्टर्स की शदीद कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है अपॉइंट किया जाए। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पेशेंट के आने का क्या फायदा है कि अगर हॉस्पिटल में उनको ट्रीट करने के लिए दवाइयां ना हो। लिहाजा उनका तीसरा मुतालबा ये है कि जो मरीज हैं उनके लिए हॉस्पिटल में दवाइयां फराहम की जाए। और एक और मुतालबा उनका ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं इनको टीचिंग हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन कर सके, हमें पंजाब में जाके धक्के ना खाने पड़े स्पेशलाइजेशन के लिए। तो ये उनके मुतालबात हैं और उन्होंने 1 जून की डेडलाइन दे दी है। देखते हैं क्या होता है, 1 जून में चंद दिन ही रह गए। इसके अलावा एक और खबर है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान से, और वो खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक मजहबी फिरके ने दूसरे मजहबी फिरके को यानी इस्लाम के कई फिरके हैं, तो एक फिरके ने दूसरे फिरके को चैलेंज किया था कि हम आग का अलाव जलाएंगे और उस आग के अलाव में खुद भी कूदेंगे और दूसरे फिरका वाले भी कूदें, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो जिंदा बचकर निकल आएगा और जो
सच्चा मुसलमान नहीं होगा वो उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। ये बड़ा सीरियस मसला था और इसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है खालिद खुर्शीद, उन्होंने फौरी एक्शन लिया और उन्होंने दोनों मजहबी तंजीमों के उलमा जो थे रिलीजियस स्कॉलर्स उनको बुलाया और उनको समझाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं 21वीं सदी में। बहरहाल वो मामला उस वक्त तो टल गया। उसके साथ ही उन्होंने ये बयान जारी किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग नफरत फैलाते हैं या जो गलत किस्म की पोस्ट डालते हैं या सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। ये बयान आने के 2 दिन के बाद पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के जो इस्लामाबाद में है उनका ऑफिस, उन्होंने एक साइबर क्राइम सेल बनाया और उस साइबर क्राइम सेल ने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को 19 अफराद की एक लिस्ट दी जो सब तकरीबन नौजवान हैं, उनकी लिस्ट दी और कहा कि ये साइबर क्राइम लॉज में की जो है वो कर रहे हैं खिलाफ वर्जी और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लिहाजा कल 19 नौजवानों को जो असल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान की निशानदेही पर। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में। अब जरा चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तरफ। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर तो ये है जो टोली पीर की पीक है वहां पे पाकिस्तान ने एक नया मिलिट्री बेस कायम कर लिया है। लेकिन उस खबर से पहले कुछ और खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें एक खबर जो है वो तत्ता पानी की है। तत्ता पानी जो है POJK में, वहां पे पुलिस वाले ने एक ताजर को रोक लिया, एक ट्रेडर को रोक लिया और उसके मोटरसाइकिल के ऊपर उसने एतराजात उठाए कि तुम्हारे पास फलां कागज नहीं है और फलां चीज नहीं है। इसके ऊपर उनमें तल्ख कलामी हुई जिसके बाद पुलिस वाले और ताजर के दरमियान जो है वो हाथापाई हो गई और उस हाथापाई के बाद तमाम ताजरों ने दुकानें बंद की और वो उस जगह पहुंच गए और वहां फिर पुलिस और ताजरों के साथ लड़ाई हुई, तसादम हुआ, उसमें पुलिस वालों को डिफीट हुई, शिकस्त हुई, कई पुलिस वाले जख्मी होकर अस्पतालों में चले गए। ज्यादातर ये लोग जाहिर है सीएमएच जाते हैं जहां पे फौजी अस्पताल है, तो ये लोग वहां चले गए। तो ये शो करता है कि POJK की सोसाइटी के अंदर कितनी टेंशन है, कितना तनाव है अवाम के दरमियान और जो काबज हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, अदलिया हो, उनके दरमियान शदीद जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत है और वो नफरत जो है उसको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, जरा सी बात होती है तो वो एक बड़ा तसादम बन के हमारे सामने आती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ये बताना चाहता हूं कि वहां पे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि समाज बदलो तहरीक शुरू हुई। समाज बदलो तहरीक के रहनुमा जो है वो शाहनवाज अली शेर एडवोकेट हैं, एक यंग नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं और उनकी फैमिली भी पढ़ी लिखी है। वो एक बड़े अपने नामवर वकील हैं, उनके बेटे हैं, कोटली में के पास नक्याल है वहां वो मुकीम है और वो जो गरीब लोग हैं उनके और महाजरीन के मुकदमा मुफ्त लड़ते हैं, सादा सी जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने अपने लिए ना कोई कार रखी है ना कोई कन्वेंस रखी है, वो पैदल ही सफर करते हैं। तो उन्होंने समाज बदलो तहरीक क्यों शुरू की? उन्होंने इसलिए शुरू की कि नंबर वन जो करप्शन हो रही है कोटली में उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो नक्याल से कोटली को जो सड़क जाती है उस पर बहुत सारे ब्लाइंड कॉर्नर हैं जिनकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में कई लोग अपनी जानों पर हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं जिस मूवमेंट का मकसद ये है कि आप उन ब्लाइंड कॉर्नर के ऊपर सेफ्टी वॉल्व बनाए। ऐसा करने का ऐलान होना था कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसने असिस्टेंट कमिश्नर ने उनके खिलाफ जो है वो पर्चा कर दिया और उनके खिलाफ FIR काट दी। और फिर जब बहुत सारा शोर हुआ और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराजात उठाए तो फिर उनको गिरफ्तार कर और गिरफ्तार करके उनके साथ बड़ी बदसलूकी की गई। और लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो गया, पाकिस्तान के अंदर जो
सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठा के अपने लिबरलिज्म को दिखाने के लिए शाहनवाज अली शेर की हमायत में बात की। कहने का मकसद यह है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन, जिसके बाद शाहनवाज अली शेर को रिहा कर दिया गया। तो ये इस तरह की कंडीशन है, यानी एक छोटी सी बात है कि सेफ्टी वॉल बनाने का मुतालबा किया, उसके ऊपर FIR, पर्चा, गिरफ्तारी, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम लोग कितने सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं और कितनी बदहाली है समाजी तौर। आगे चलते हैं, मुतासरीन मंगला डैम का मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये वो लोग हैं जो मंगला डैम की जो पहली फेज के बाद दूसरी फेज थी एक्सटेंशन की, उसके नतीजे में ये लोग बेघर हो गए थे। इनके साथ गवर्नमेंट ने कई वादे किए थे, लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से आज 3 महीने से ऊपर हो गया है कि मुतासरीन मंगला डैम, यानी मंगला डैम डिस्प्लेस पीपल जो है उनका मीरपुर शहर में, जहां से मेरा भी ताल्लुक है, वहां पे उनका प्रोटेस्ट कैंप लगा हुआ है। 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। और जो डिस्प्लेस पर्सन के जो कमेटी है, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा या धरना जारी रहेगा। तो हमारी दुआएं हैं उनके साथ कि कोई उनके मसाइल को सुने और दूसरी तंजीमें भी अपनी आवाज उठाएं, जो जिनको कश्मीर जो वादी है वहां का हर वक्त मरोड़ उठता है पेट में, वो उनको अपने घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए सबसे पहले। अव्वल खेश बाद दरवेश, ये एक फारसी का मुहावरा भी है कि पहले अपने अपना घर फिर दूसरे का घर दे। इसके साथ ही अब चलते हैं हम तहरीके लबैक पाकिस्तान। तहरीके लबैक पाकिस्तान आपको पता है कि बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन POJK में ये बैन नहीं है, और POJK में ये खुला फिर रहे हैं, दनदनाते फिर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की, जो मेरे ख्याल है शायद अगस्त में होंगे, उनका ऐलान किया जाना बाकी है, अभी वो जुलाई में ऐलान होगा। तो वो जो इलेक्शंस हैं उसकी कैंपेन कर रहे हैं, हर बड़े शहर में उन्होंने ऑफिस खोल लिया है, हर जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है नॉमिनेट कर दिए हैं और वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। मैंने ये पहले भी कहा था कि एक ऐसी फंडामेंटलिस्ट दहशतगर्द फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो POJK में कम से कम काम नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक कि उसको पीछे से कंट्रोल टावर की आशीर्वाद हासिल ना हो। आप समझते ही हैं कि कंट्रोल टावर से मेरी क्या मुराद है। तो वो आशीर्वाद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और मैं इसको जोड़ता हूं आने वाले जमाने में वादी के अंदर पाकिस्तान की घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से अफरा तफरी फैलाने की जो फ्यूचर की प्लानिंग है उससे। अब मैं आता हूं टोली पीर की तरफ। देखिए, टोली पीर जो है ये 8,800 फीट अबव सी लेवल है, यानी बड़ा ऊंची जगह है और ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है। इस टूरिस्ट रिजॉर्ट के ऊपर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की फौज उतर रही है, पहुंच रही है, और वहां पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और वो उतर रहे हैं, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि ओवरनाइट वहां के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। यानी जो लोग वहां पे गरीब लोग टूरिज्म की वजह से उनका सिलसिला चल रहा था वो सिलसिला अब बंद हो चुका है आज की तारीख। टोली पीर एक ऐसी जगह है जहां से आप नीचे दरिया पुंछ को भी आप देख सकते हैं, नीचे बाघ है उसको भी देख सकते हैं और रावलाकोट को भी देख सकते हैं। रावलाकोट तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है, 20 मिनट्स लगते हैं टोली पीर से रावलाकोट तक। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ऑलरेडी 12 ब्रिगेड वहां पर मौजूद हैं POJK में, 4,000 मुरबा मील पर 12 ब्रिगेड फौज, और अब पहली दफा पाकिस्तान आर्मी एक बेस बना रही है वहां मुकम्मल, यानी पहले तो छोटी छोटी छावनियां टाइप थी ना, मेन छावनी उनकी मंगला में, ये बेस बना रहे हैं। इस पर हेलीपैड है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है छोटा एयरक्राफ्ट उतारने के लिए रनवे भी बनेगा आने वाले दिनों में। वैसे तो पूरे POJK में आवाम के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जो है बलूचिस्तान में एक पश्तून फौजी ने पंजाबी अपने फौजी साथियों के ऊपर फायरिंग करके
क्लाशनकोव से 6 फौजी पंजाबी मार दिए। फिर बलूचिस्तान के एक और इलाके में एक बलोच सिपाही ने पंजाबी सिपाहियों के ऊपर फायरिंग की और मार दी। फिर अभी परसों का वाकया है कि कराची में जो है वो पुलिस वाले ने नेवी ऑफिसर को रोका जो अपनी बीवी के साथ बीच पर जा रहा था, तो उसने पुलिस वाले ने नहीं जाने दिया, उसने कहा कि भाई बीच जो है वो बंद है कोरोना की वजह से। उस नेवल ऑफिसर साहब ने कहा कि भाई ये तुम पुलिस वाले तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुम एक फौजी अफसर को रोक रहे हो, उसने मारा उसको, तो वो बाकी जितने सिपाही थे वो नेवी वालों पर टूट पड़े, लिहाजा नेवी और पुलिस के दरमियान एक शदीद लड़ाई हुई जिसमें नेवी का अफसर भी जख्मी हुए और सिपाही भी जख्मी हुए। तो ऐसी एक फजा में पीओजेके के अंदर मिलिट्री बेस बनाना और फिर बलूचिस्तान में नसीराबाद पे अमेरिकन को एलिजिटली एक मिलिट्री बेस देने का वादा करना, ये खासी जो है ना वो परेशान कुन सूरत हाल बन रही है। उधर हम ये भी जानते हैं कि लद्दाख में जो एयरपोर्ट है ये वाला, सॉरी लद्दाख कह रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में जो एयरपोर्ट है स्कर्दू का, इस यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसके इंजीनियर जो है वो काम कर रहे हैं और उसको उसकी एक्सटेंशन बना रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, और जाहिर है कि वहां पे चाइना का मिलिट्री बेस बनने जा रहा है। तो एक मिलिट्री बेस अमेरिका का बनेगा बलूचिस्तान में, एक बन रहा है स्कर्दू में, एक बन रहा है यहाँ टोली पीर पर पाकिस्तान का मिलिट्री बेस। तो ये सवाल असल में यूनाइटेड नेशन को पूछना चाहिए पाकिस्तान से और यूएनसीआईपी को भी पूछना चाहिए कि भाई ये एक मुतनाजा इलाका है, ये आपको दिया था जेरे इंतजाम यानी एडमिनिस्टर करने के लिए अंटिल सच टाइम दैट द कश्मीर इशू गेट्स रिजॉल्व। और उसके रिजॉल्व के लिए जो पहली शर्त यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन में है 48, उसमें ये लिखा हुआ है कि पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान जो है वो पीओजेके से अपनी फौजों को निकालेगा, इंक्लूडिंग गैर रियासती लोग यानी जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनको, और पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम पूरी जो फोर्स है इसको पीओजेके से निकालेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उसका उल्ट हो रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है कि 12 ब्रिगेड फौज जो है वो पीओजेके के अंदर है और एक ब्रिगेड जो है वो जलालपुर जट्टा में है। और अगर आप मैप देखें तो जलालपुर जट्टा बिल्कुल पीओजेके के साथ है, यानी वो किसी भी वक्त एक ब्रिगेड जो है वो पीओजेके के अंदर दाखिल हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद पर अमल किया जाता, देखने में तो ये आ रहा है कि फौज में बतदरीज इजाफा हो रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अब टोली पीर पर एक मिलिट्री बेस भी बनने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि पीओजेके और पीओजीबी यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कॉलोनी बन चुकी है और इस कॉलोनी के अंदर उनका जो पार्टनर है वो चाइना है, जिसका मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब पाकिस्तान चीन से लिए हुए कर्जों को वापस ना करने की सूरत में पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को चीन को लीज पर दे दे, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह को श्रीलंका की हुकूमत ने चीन को लीज पर दे दिया, वो एक ऐसा इलाका बन गया जहां चाइनीज को इजाजत है कि वो बगैर वीजे के जा सकते हैं, जबकि श्रीलंका के अपने लोग जो है वो उस इलाके में नहीं जा सकते। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल चल रही है और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि भारतीय सरकार को भी ये चाहिए कि वो जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है दिल्ली में उसको बुलाए अपने फॉरेन ऑफिस एक्सटर्नल अफेयर्स के डिपार्टमेंट पे और उनसे एक्सप्लेनेशन ले, जवाब तलबी ले कि भाई ये आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक लेटर जो है वो यूएन जो है उसको भी लिखा जाए और यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी लिखा जाए कि इनफ इज इनफ। जैसे ये दीदा दलेरी है कि भारत की सरजमीन के ऊपर, क्योंकि पीओजेके और पीओजीबी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट वाज साइंड ऑन द 26 अक्टूबर 1947 आर इंडियन टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, तो कब तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोग, कब तक ये भारतीय नागरिक, कब तक गुलामी की इस काली स्याह रात में
जीने पर मजबूर होंगे। कब तक ये अपने बाकी जो इनके सिटीजन्स हैं, बाकी जो इनके लोग हैं, अपने भारतीय नागरिक, उनसे इनको काट कर रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है वो मेरे पास फिलहाल नहीं है। इसका जवाब या तो यूनाइटेड नेशन दे सकती है या भारत की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दे सकती है। इस एस्टैब्लिशमेंट से मेरी मुराद नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से मेरी मुराद इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की जो सिविल बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं जो वहां बैठे हैं, रॉ है, ये सबको अब मिलके जो है वो सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत खतरा है। देखिए ना, एक तरफ लद्दाख में चाइना की फौजें फिर से आ रही हैं और कंसोलिडेट कर रही हैं अपनी पोजीशन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान जो बिल्कुल लद्दाख के इस तरफ है वहां पे फौजें कंसोलिडेट कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि सीज फायर जो हुई थी 25 फरवरी को डीजीएमओज की मीटिंग के बाद, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ की कोशिश करता रहा है बीच में, उसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसने फायरिंग की है, उसके बावजूद सांबा सेक्टर में उन्होंने बंदे भेजे हैं, उसके बावजूद वो ड्रोन्स के जरिए जो है आतंकवादियों को जो असला है वो वहां ड्रॉप करवा रहे हैं ड्रोन्स के जरिए। तो ये हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर गौर करेंगे, इस पर सोचेंगे और आप क्या कर सकते हैं। अब ये सवाल आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को 6:30 बजे यूके टाइम स्काई 711 पे MATV को ट्यून इन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम देख सकते हैं। नंबर वन तो ये है। नंबर टू, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हलके में, अपने खानदान में, अपने दोस्तों में, और जब आप इवेंट्स पे जाते हैं तो वहां पे आप अपने उन भाइयों का, उन बहनों का, उन माओं और उन बुजुर्गों का और उन बच्चों का जिक्र करें जो इस वक्त पाकिस्तान की सख्त गुलामी में, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी में जिंदा रहने पर मजबूर है। और तीसरा आप काम ये कर सकते हैं कि आप अपने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आप लेटर लिख सकते हैं, उनको आप उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मसले को एड्रेस करें। और आखिर में आप क्या कर सकते हैं कि आप MATV के जो हमारे प्रोग्राम है ये वाला, इसको आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया के जो आउटलेट्स हैं उनके ऊपर शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये मसले ने तो देर या जल्द हल होना है, लेकिन हम इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। लातल्लुकी का मतलब अमन नहीं है, लातल्की का मतलब यह है कि हमने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर पेट में दबोच दिया। आप सबका आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे एक नए जो है वो मौजू के साथ, और मेरी कोशिश है कि मैं अगले प्रोग्राम में एक खास मेहमान को भी लेके आऊं, लेकिन वो मेरे काबू नहीं आ रहे। अगर आ गए तो जरूर लेके आऊंगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।